तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या था कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रतिस्थापी समूह आ रहा तो हमें उसकी आईयूपीएससी कैसे करनी। हमने तुम्हें बता दिया था कि आईयूपीएससी उसकी ऐसे होगी, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, फिर जो तुम्हारे पास चयन होगी उसका नाम लिखना। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे अगर तुम्हारे पास प्रतिस्थापी समूह आ जाए और डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, एक बार पहले इस कंपाउंड का नाम बनाकर दिखाओ दोस्तों, किधर से तुम्हें गिनती करनी, किधर से नहीं। मैंने तुम्हें बताया था जिधर से प्रतिस्थापी समूह पहले आएगा उधर से तुम्हारी क्या होगी दोस्तों, गिनती होगी। तो प्रतिस्थापी समूह किधर से पहला रहा, किधर से, तो एक दो तीन चार पांच, तो पांच कार्बन आ चुके। लेकिन मैंने तुम्हें बताया दोस्तों प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखा जाएगा तो दूसरे पे, लेकिन वो भी अल्फाबेट के अनुसार, कहेंगे अनुसार दोस्तों अल्फाबेट। दूसरे पे था टू ब्रोमो और तीसरे पे तुम्हारे पास क्या दोस्तों, क्लोरो। कितने कार्बन है, पांच, तो पांच के लिए क्या हो दोस्तों, पेंटेन। ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अब हम समझेंगे अगर तुम्हारे दो ने डबल बॉन्ड आ जाए ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसके हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या एक्सी कंडीशन लगाएंगे। मैंने कहा दोस्तों तुम्हारे पास ही है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू बी आर, ये है इसका आईपीएससी नाम लिखना तुम्हें दोस्तों। हमेशा ध्यान रख लियो दोस्तों, जब भी डबल बॉन्ड आया ट्रिपल बॉन्ड आया पर जिस स्थापित समूह भूल गई देखना, तुम्हें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से गिनती करनी, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा। इधर से पहले, इधर से दूसरे पे, इधर से एक दो तीन, इसमें कार्बन या ऐसे छोड़ देंगे प्रतिस्थापी समूह है दोस्तों। तो लेकिन प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले तो थ्री ब्रोमो, कितने कार्बन दोस्तों, तीन, तो प्रोप प्रोप वन पे क्या है इन, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है दोस्तों, इन लगता है, क्या लगता है दोस्तों, इन। मैंने कहा इसका बताओ भाई दोस्तों क्या होगा, इसका आईपीएससी नाम सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बी आर सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री। तो किधर से गिनती करनी दोस्तों, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा, तो किधर से पढ़ रहा, इधर से या इधर से। अब तुम देखो एक दो दूसरे पे पढ़ रहा, एक दो दूसरे पे पढ़ रहा, फिर आगे चला एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन हमेशा ध्यान रख लो इधर से ही होगी, क्यों, क्योंकि ये भी दूसरे पे उधर से भी दूसरे पे। तो फिर उससे अगला देखो प्रतिस्थापी समूह ब्रोमो चौथे पे, भी चौथे पे, लेकिन बी पहला है ना, तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, इधर से गिनती होगी एक दो तीन चार पांच छ सात अरे आठ। प्रतिस्थापी समूह का नाम पहला तो फोर ब्रोमो फाइव मैथाइल, कितने कार्बन दोस्तों, आठ, तो ऑक्ट टू पे डबल बॉन्ड और कौन से का सिक्स पे, लेकिन दो बार आए तो क्या जाएगा दोस्तों, डाई इन आ जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, डाई इन। जैसे देखो दोस्तों सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री सी एच टू बी आर और सी एच थ्री। अब देखो दोस्तों किधर से गिनती, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा तो इधर से पढ़ रहा, चाहे उधर से पढ़ रहा मर्जी, तो एक दो तीन चार पांच छ सात और एक आठ, तो आठ कार्बन हो चुके दोस्तों। तो प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले तो बी बी फोर ब्रोमो टू पे और सेवन पे, टू सेवन डाई ब्रोमो फोर मैथाइल, कितने कार्बन है ओक, तो ओक्टेन, क्या हो जाएगा दोस्तों, ओक्टेन नहीं होने का, ओक्ट कौन सा डबल बॉन्ड थ्री पे थोड़ा कोमा फिर फाइव पे डैश डाई इन ही हो जाएगा इसका दोस्तों आईयूपीएससी नाम। क्लियर दोस्तों आप सभी का।
मैंने कहा फिर इसका बताओ दोस्तों आई पी एस नाम सी एच थ्री सी ट्रिपल बोन सी सी एच बी आर सी एच सी एच थ्री और सी एच थ्री इसका आईपीएससी नाम बताओ। जिधर से भी ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा उधर से ही तुम्हें गिनती करनी, किधर से आ रहा दोस्तों इधर से, तो एक दो तीन चार पांच छह फोर ब्रोमो फाइव मेथाइल कितने कार्बन दोस्तों छह, तो हेक्सेन क्या आ जाएगा, तो हेक्सेन ही होने दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड का दूसरे पर आयन हेक्स टू आइन हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। मैंने कहा भाई इसका बताओ फिर, मैंने इसका पूछा दोस्तों इसका आईपीएससी नाम बताओ। अब तुम्हें क्या करना दोस्तों, उधर से करनी गिनती, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा डबल भी आ रहा ट्रिपल भी आ रहा, ट्रिपल दूसरे पे और ये भी दूसरे पे, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा देनी पड़े, जब सेम पोजीशन पाया डबल भी और ट्रिपल भी, तो डबल बॉन्ड को लेकर चले हम दोस्तों, किसे दोस्तों डबल बॉन्ड को, तो गिन लो एक दो तीन चार पांच छह सात और एक आठ नौ फाइव ब्रोमो प्रतिस्थापित, तो पहले फाइव ब्रोमो कितने कार्बन नॉन नॉन, डबल बॉन्ड कौन से पे टू पे और फाइव पे डाई ई, लेकिन इसमें तो क्या डाई ई आ कुछ नहीं डाल दोस्तों, फिर थोड़ा डैश ट्रिपल बॉन्ड कौन सा सेवन आई, ये इसका नाम हो जाएगा आईपीएससी। क्लियर दोस्तों, अगर दोस्तों मैं एक आधा और एग्जांपल लेकर दिखाना चाह रहा हूं तुम्हें, मैंने कहा इसका आईपीएससी नाम बताओ, ज्यादा हार्ड नहीं तो दोस्तों बस तुम्हें डरना नहीं इनसे, ये है तुम्हारे पास दोस्तों, तुम्हें इसकी गिनती करनी कि इधर से तुम करो कि इधर से नहीं, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर से भी आ रहा दूसरे पे, इधर से भी दूसरे पे आ रहा, तो किधर से करोगे इधर से, क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी पहले समूह पहले पड़ रहे, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ अरे दस कितने कार्बन दस, तो लेकिन प्रतिस्थापी समूह का नाम पहला तो सिक्स ब्रोमो सिक्स ब्रोमो, फिर ई फोर फोर से फोर एथाइल, फिर मैथाइल भाई कौन सा पांच फाइव मैथाइल, कितने कार्बन है दोस्तों दस, दस के लिए डेक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे टू पे और थ्री पे दो बार, तो डाई आई नी, इसका क्या जाएगा दोस्तों आईयूपीएससी नाम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों आप सभी का, अगर दोस्तों बाजी बार हो तुम्हें क्या दे आईयूपीएससी नाम दे, अगर तुमसे संरचना पूछा तो तुम्हें कैसे हैंडल करना, दो एग्जांपल इसके भी लेकर दिखा रहा भाई मैं तुम्हें, जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास है टू ब्रोमो फोर एथाइल फाइव मेथाइल ऑक्ट टू फोर डाइईन, ये है तुम्हारे पास दोस्तों, तो ऑक्ट है ऑक्ट का मतलब आठ कार्बन है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात अरे आठ, किधर से भी गिन लो दूसरे ब्रोमो, तो टू में ब्रोमो लगा दो बीआर लगा दो, फोर पे एथाइल तो एथाइल लगा दो सी टू एच फाइव बी एथाइल होता है दोस्तों, फाइव पे मेथाइल सी एच थ्री, दूसरे पे तुम्हारे पास क्या डबल बॉन्ड है और चौथे पे भाई यहां पर, अब हाइड्रोजन लगाकर वैलेंसी पूरी कर दो, इसके भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, तीन हाइड्रोजन इसे दे दो, दो इसे दे दो एक दो इसे दे दो, इसे कुछ देने की और इसे भी एक इसे और तीन इसे, इस प्रकार से क्या हो जाए दोस्तों संरचना हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों संरचना, जैसे मैंने कहा इसका बताओ दोस्तों फाइव क्लोरो फाइव एथाइल सिक्स मेथाइल नॉन टू फोर डाइईन
डैश फाइव आई। या दोस्तों इसका भी वैसे नाम पूछा, तो इसका क्या नोन का मतलब नो कार्बन, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एक नौ, फाइव पर क्या दोस्तों क्लोरो, तो एक दो तीन चार पांच, पांच पर सीएल लगा दो, पांच पे एथाइल है तो सी टू एच फाइव लगा दो, सिक्स पे एथाइल है तो क्या जाएगा दोस्तों इसका एथाइल का वो मेथाइल का सी एच थ्री हो जाएगा। डबल बॉन्ड तुम्हारे पास दूसरे पे और चौथे पे ये लगा हुआ है तुम्हारे पास, और पांचवे पर क्या तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, पांच छोड़ दो दोस्तों ये ले लो सातवें पे, तो ट्रिपल बॉन्ड कौन सा दोस्तों सातवें पे है। चलो अब क्या करना दोस्तों, बस हाइड्रोजन लगाकर संयुक्ता पूरी कर दो इसकी। अब देखो दोस्तों सबकी संयुक्ता पूरी हो रही, तो इस प्रकार दोस्तों क्या कर सकते तुम आईपीएससी नेम से भी संरचना बना सकते हो। तो दोस्तों आप सभी की समझ में आएगा, तो दोस्तों मैं आप सभी से विदा लेता हूं, जय भीम जय भारत।